हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज हम इलस्ट्रेशन 9 एंड पेज नंबर 100 देखने वाले हैं। सी लेजर को हमने स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, लेजर को अंडरस्टैंड किया है। सी सबसे पहले हमने लेजर का मीनिंग देखा है। लेजर जो है ये क्या है, लेजर जो है ये समराइज रिकॉर्ड है, समराइज रिकॉर्ड है। हर एक अकाउंट जो है यहाँ पे सेपरेटली दिखता है। सी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग देखा था हमने। बुक कीपिंग इज अबाउट मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग इज समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड फाइनलाइजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो जो अकाउंट्स मेंटेन होता है, बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वो लेजर, जर्नल एंड लेजर में मेंटेन होता है। जर्नल जो है प्राइमरी बुक है, लेजर जो है सेकेंडरी बुक है। जर्नल फर्स्ट स्टेप, लेजर इज फाइनल स्टेप। जर्नल जो है वो प्राइमरी स्टेज है। सारे ट्रांजेक्शन डेट वाइज एंड डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल में रिकॉर्ड होता है। एंड वहां से सारा जो वो सारी चीजें क्या होती है, लेजर में पोस्ट होती है इन सेपरेट अकाउंट्स। ये सारी चीजें हमने देखा था। देन इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 3 हमने क्या किया है, सॉल्व किया है, देख लिया है। अभी आज जो हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 9। सी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एंट्रीज जो दिया रहेगा उसका पहले तो उसका जर्नल एंट्री करना है एंड देन उसकी लेजर पोस्टिंग करना है। अभी यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन 9 है 2019 जैन 1, सी योर फर्स्ट एंट्री इज bought goods from Anupama 8000. See, हमारा first transaction क्या है, bought goods from Anupama 8000. Okay. Bought goods from Anupama 8000. अभी इसकी एंट्री क्या होगी, Bought goods from Anupama 8000. इसका मतलब है कि we have purchased goods from Anupama. हमने goods क्या किया है, purchase किया है. And see, यहाँ पे किसी cash, कोई cash का mention नहीं हुआ है, तो but obvious it is a credit transaction. Cash mention नहीं किया तो ये क्या transaction है, credit transaction है. इसका entry क्या होगा, purchase account debit to Anupama. परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा। सो जो ये एंट्री है हमें कहाँ लिखना है, जर्नल बुक में हमें लिख देना है। जैन 1 परचेसेस अकाउंट डेबिट, इसे परचेस किया है, अनुपमा से परचेस किया है, अनुपमा इज गिवर। असी पर्सनल अकाउंट का रूल हमें पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हियर अनुपमा इज गिवर, सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट अनुपमा। एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा अकाउंट। Being goods purchased कितने का गुड्स है, 8000। सी हमारा फर्स्ट जो है एंट्री हो गया है। अभी इसे हमें क्या करना है, लेजर पोस्ट करना है। सी हमें क्या करना है, ये सारी जो एंट्रीज है इसे अनुपमा के अकाउंट में दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अनुपमा का अकाउंट रेडी किया हुआ है। अभी परचेज गुड्स फ्रॉम, बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपमा, उसकी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपमा। ये अकाउंट किसका है, ये अनुपमा का अकाउंट है। हमारे बुक में अनुपमा का अकाउंट हमने मेंटेन किया है। सी इन दिस ट्रांजेक्शन अनुपमा इज गेटिंग क्रेडिटेड, अनुपमा क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो हम अनुपमा के अकाउंट में हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय अनुपमा क्रेडिट हो रही है, किसे क्रेडिट हो रही है, परचेसेस।
कितना है अमाउंट? 8,000। टू थाउजेंड 19 जनवरी। तो ये हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसकी हमने लेजर पोस्टिंग कर दी है। पहला क्या करना है, पहले आपको एंट्रीज फॉर्म करनी है एंड देन उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। अभी यहां पे देखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा अकाउंट, अनुपमा क्रेडिट हुई है, अनुपमा क्रेडिट हो रही है एंड ये किसका अकाउंट है? अनुपमा का अकाउंट है। अनुपमा इज बीइंग क्रेडिटेड, अनुपमा क्रेडिट हुआ है, अनुपमा क्रेडिट हुआ है, किसे क्रेडिट हुआ है? परचेसेस को। तो यहाँ पे आपको अनुपमा की बुक में कहीं भी अनुपमा का नाम मेंशन नहीं होगा। अगर अनुपमा क्रेडिट हो रही है तो वो किसे क्रेडिट हो रही है? परचेसेस से क्रेडिट हो रही है। तो हियर वी हैव टू राइट परचेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू अनुपमा 700। हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू अनुपमा 700। गुड्स रिटर्न टू अनुपमा 700। पहला क्या था? बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपमा, तो उसको हमने क्या किया, उसकी लेजर पोस्टिंग हमने कर दी है। अभी सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न टू अनुपमा 700। अभी इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? दिस इज परचेस रिटर्न। ये ट्रांजेक्शन में जो आपका गिवर है अभी वो क्या हुआ है? रिसीवर हो गया है। रिसीवर कैसे हो गया है? बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन यू हैव रिटर्न योर गुड्स। जो गुड्स आपने परचेस किया था, आपने उसको क्या किया है? रिटर्न किया है। दैट मीन्स ये क्या है? परचेस रिटर्न है। तो एंट्री क्या होगी? सी अनुपमा, इस ट्रांजेक्शन में अनुपमा जो है वो रिसीवर बन गई है। अभी देखो, अगर आप एक सिंपल सा लॉजिक आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे परचेस डेबिट हुआ है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, तो जब भी परचेस रिटर्न होगा, परचेस रिटर्न होगा तो ये जो एंट्री है ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा। एंट्री विल बी अनुपमा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। यहाँ पे परचेस है और परचेस रिटर्न की एंट्री में क्या करना है आपको? लिखना है अनुपमा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो पहले हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। अनुपमा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने के गुड्स रिटर्न हुए? 700 के गुड्स रिटर्न हो गए। इसका नरेशन, बीइंग गुड्स returned to Anupama. Okay. See, यहां पे हमने इसका जर्नल एंट्री पास कर दी है परचेस रिटर्न की। अनुपमा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, अनुपमा डेबिट टू परचेस रिटर्न। सी अभी हमें इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। अनुपमा का अकाउंट हमने शो किया है। सी नाउ हियर अनुपमा जो है वो डेबिट हो रही है। सी ये अकाउंट किसका है? ये अनुपमा का अकाउंट है। जहां जहां अनुपमा डेबिट होगी हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। जब जब अनुपमा क्रेडिट होगी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सी पहला जो एंट्री था, पहला एंट्री क्या था? परचेज टू अनुपमा। तो फिर फर्स्ट एंट्री अनुपमा जो थी वो क्रेडिट हुई थी। अनुपमा क्या? अनुपमा क्रेडिट हुई थी। तो मैंने क्या किया? क्रेडिट में ही लिखा है, बट अनुपमा के बुक में अनुपमा का नाम कहीं नहीं आएगा। अगर अनुपमा क्रेडिट हो रही है तो यू हैव टू राइट कि वो किससे क्रेडिट हो रही है। इफ अनुपमा इज गेटिंग डेबिटेड तो यू हैव टू राइट कि टू हुम शी इज डेबिटेड। तो यहाँ पे अनुपमा क्रेडिट हुई थी, किसे क्रेडिट हुई थी? बाय परचेसेस। नाउ हियर यहाँ पे परचेस रिटर्न की एंट्री है, अनुपमा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अभी अनुपमा जो है वो क्या हो रही है? अनुपमा डेबिट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू, सी डेट है 10। अनुपमा डेबिट हो रही है, अनुपमा इज डेबिटेड टू होम टू परचेस रिटर्न। यहां पे क्या लिखना है? परचेस रिटर्न।
परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना डेबिट हो रही है 700। ओके सी, लेजर पोस्टिंग करना बहुत आसान है। अभी मैंने क्या किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अनुपमा का अकाउंट शो कर रहे हैं। अभी जर्नल एंट्री में जहां जहां अनुपमा का नाम आपको दिखेगा, तो उस एंट्री को हम क्या करना है, अनुपमा की लेजर बुक में उसे दिखाना है। अनुपमा डेबिट हो रही है तो वी हैव टू राइट इन डेबिट कॉलम। अनुपमा की बुक में अनुपमा का नाम कहीं नहीं आएगा। अनुपमा डेबिट हो रही है तो अनुपमा किससे डेबिट हो रही है, तो अनुपमा डेबिट हो रही है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। अनुपमा क्रेडिट हो रही है तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, कैश पेड टू अनुपमा 7000, डेट है 20। कैश पेड टू अनुपमा 7000, कैश पेड टू अनुपमा 7000 रुपीज 7000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश पेड टू अनुपमा 7000, तो इसकी एंट्री है सी कैश पेड टू अनुपमा 7000। अनुपमा रिसीवर है, अनुपमा को पैसा मिल रहा है, तो अनुपमा क्या होगी, डेबिट होगी। पैसा बिजनेस से गया है तो क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो पहले इसका एंट्री लिखना है, अनुपमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 7000। नरेशन बीइंग कैश पेड टू ओके, तो इसका एंट्री हमने कर दिया है, अनुपमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी अभी इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, अनुपमा इस ट्रांजेक्शन में, इस जर्नल एंट्री में अनुपमा क्या हो रही है, अनुपमा डेबिट हो रही है। ओके तो लेजर में भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, डेट इज 20। हाँ अनुपमा डेबिट हो रही है, अनुपमा किसे डेबिट हो रही है, कैश को, टू कैश अकाउंट। कितना दिया आपने अनुपमा को, 7000। ठीक है, तो सी अभी यहाँ पे ये तीन ट्रांजेक्शन का हमने क्या किया है, तीन ट्रांजेक्शन का जर्नल किया है, उसका लेजर पोस्टिंग किया है। अभी अकाउंट आपको क्लोज करना है। नाउ सी दिस साइड इज हैवी, ये एट एट जो साइड हैवी रहेगा उसी का टोटल हमें लिखना है 8000। सी इसका टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया है, टू सी एट द एंड एंड ऑफ द मंथ का आपको डेट लिखना है 31 जैन, टू बैलेंस सी डी से डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस है वो लिखना है यहाँ पे 300। अभी फेब वन बाय बैलेंस बीडी कितना है 300। तो ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके अनुपमा का जो है ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी अभी 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 आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेबिट साइड इसका डिफरेंस दिख रहा है, राइट, डेबिट साइड डिफरेंस जरूर दिख रहा है, बट ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट साइड इज हैवी। क्रेडिट साइड में कितना है 8000 है और यहाँ पे कितना है 7700। तो ये जो 300 है ये डेबिट साइड ये शो जरूर हो रहा है, बट ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी आपका क्रेडिट बैलेंस होगा अनुपमा's अकाउंट, सी यहाँ पे अनुपमा का जो अकाउंट है इट शोज क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब है अनुपमा क्या है, इसका मतलब है अनुपमा हमारी जो है आपकी जो है वो क्रेडिटर है। अनुपमा क्या है, क्रेडिटर है। ओके तो ये जो है ये इलस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमने क्या किया है, सी यहाँ पे ये तीन
सी यहाँ पे तीन ट्रांजेक्शन दिया है एंड जर्नल एंट्री हमें दिखाना है, अनुपमा का जो अकाउंट, अनुपमा का अकाउंट हमें शो करना है। अभी पहले हमने क्या किया, जर्नल एंट्री पास किया, पहला क्या था, बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से गुड्स हमने परचेस किया है। एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेजर पोस्टिंग किया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, अनुपमा क्रेडिट हुए है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय परचेसेस 8,000। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू अनुपमा, गुड्स रिटर्न टू अनुपमा, परचेस की जो एंट्री है उसको रिवर्स एंट्री आपको करना है। अनुपमा सी, अनुपमा गिवर है, अनुपमा ने हमें गुड्स बेचा है, बट गुड्स जो है वो एज पर हमारा ऑर्डर नहीं है या डिफेक्टिव है या कोई और रीजन भी हो सकता है, तो इस रीजन की वजह से गुड्स को हमने क्या किया, रिटर्न किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, अनुपमा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, तो अनुपमा डेबिट हुई है। तो यहां पे लेजर में मैंने क्या किया है, लेजर में अनुपमा डेबिट हुए तो डेबिट साइड लिखा है टू परचेस रिटर्न। अभी जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, कैश पेड टू अनुपमा 7,000, कैश पेड टू अनुपमा 7,000। तो एंट्री क्या है, अनुपमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसको लेजर में मैंने क्या किया है, टू कैश अकाउंट 7,000। तो सी द लॉजिक इज वेरी सिंपल, लॉजिक इज वेरी सिंपल। ये जर्नल एंट्री आप लोग देखो, लॉजिक इज वेरी सिंपल। जो अनुपमा जहां डेबिट हुई है हमने क्या किया है, लेजर में डेबिट साइड लिखा है, अनुपमा जहां क्रेडिट हुए हमने लेजर में क्रेडिट साइड में लिखा है। द थिंग इज अनुपमा के बुक में अनुपमा का नाम हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, अनुपमा के बुक में अनुपमा का नाम नहीं लिखेंगे। अनुपमा डेबिट हो रही है तो किसको डेबिट हो रही है, दैट यू हैव टू राइट। अनुपमा क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, बट वो किसको क्रेडिट हो रही है, दैट यू हैव टू राइट। सी अगर अनुपमा के बुक में सारा कुछ अगर हम अनुपमा लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्रेडिट में क्यों, क्या क्रेडिट हुआ है, क्या डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे अनुपमा क्रेडिट हुए तो किसे क्रेडिट हुए, बाय परचेसेस अकाउंट। तो अनुपमा जहां पे क्रेडिट हो रही है हमें लेजर में क्रेडिट साइड में ही लिखना है, और अनुपमा जहां डेबिट हो रही है लेजर में हमें डेबिट साइड ही उसे शो करना है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कोई और इलस्ट्रेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। हमने सी, हमने अब तक स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, सॉल्व किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड जब जो जो इलस्ट्रेशंस, मतलब जो मेन कोर्स इलस्ट्रेशन जब आएगा, मतलब जब फुल फ्लेज इलस्ट्रेशंस आएंगे, फुल फ्लेज जब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको आसानी होगी। ओके, थैंक यू।